सो किसी ने मुझे क्वेश्चन किया है कि हाउ टू ऐड टाइपराइटर टेक्स्ट इफेक्ट इन शॉर्टकट विद साउंड. सो चलिए देखते हैं. ओके, सबसे पहले एक वीडियो क्लिप ले लेता हूँ, एक कौन सी भी एक. ओके, ये वाली मैंने ले ली है. इसको टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं. एंड अभी आपको एक और ट्रैक यहाँ पे ऐड करना होगा, ऐड वीडियो ट्रैक. एंड यहाँ पे अभी आपको ओपन अदर कलर एंड ओके, और ये जो भी क्लिप है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए यहाँ पे, और इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो. अभी इसको जूम कर दीजिए यहाँ से, इसका यूज़ करके. एक तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे इसका यूज़ करके भी अब इसको जूम कर सकते हो. ओके, नाउ अभी आपको जहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं टाइपराइटर टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आपको दे रहा हूँ. ओके, तो कैसे करना है वो ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. तो ऊपर वाले क्लिप को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे फिल्टर देन प्लस, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट सिंपल में जाना है. एंड यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल फिट आपको लेफ्ट करना है. ओके, एंड देन यहाँ पे आपको यूज़ फॉन्ट साइज़ यहाँ पे टिक करना है. ओके, और यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट आप यूज़ करना चाहते हो वो टेक्स्ट आप यहाँ पे यूज़ कर दो. ऑलराइट, सो अभी हम यहाँ पे टाइप करेंगे. सो मुझे टाइप करना है टाइपराइटर. तो सबसे पहले ना आपको सिर्फ टी फर्स्ट लेटर आपको टाइप करना है, वो भी कैपिटल में. सो टी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है. इसकी साइज़ आप कम ज़्यादा यहाँ पे ऐसे कर सकते हो. ओके, सो मैं ठीक है ऐसा ऐसा यहाँ पे इसको रख देता हूँ, और इसको भी ऐसे. ऑलराइट, तो ये टी हो गया. दिन बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देना है. ओके, फिर अपने आप से नेक्स्ट वाली क्लिप जो है वो सिलेक्टेड है. सो उसी में आपको यहाँ पे अभी नेक्स्ट वाला लेटर आपको टाइप करना है. सो टी वाई. ओके, वैसे ही यहाँ पे स्प्लिट करिए और आगे जाना है, और यहाँ पे भी आपको एक और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है, TY TYP. ओके, एंड देन फिर से स्प्लिट, एंड ये जो भी क्लिप है यहाँ पे आपको ऐड करना है E. ओके, सो ये जो भी क्लिप्स है ना, क्लिप्स की ड्यूरेशन है ना, ये कम ज़्यादा अगर रहेगी तो आपका इफेक्ट अच्छा लगेगा. ओके, सो ये ज़्यादा है, ये तो उससे थोड़ी सी कम है, ये उससे भी थोड़ी ज़्यादा है, और ये भी थोड़ी उससे ज़्यादा रहेगी. ओके, सो ये यहाँ तक हम लोग आ गए, यहाँ तक टाइप तक. अब ये नेक्स्ट वाले क्लिप को सिलेक्ट करिए, मैंने स्प्लिट कर दिया उसको, और यहाँ पे आपको लिखना है W. फिर से और आगे आना है, स्प्लिट कर दीजिए यहाँ पे R, और आगे आते हैं स्प्लिट करिए I, और आगे आते हैं स्प्लिट T, एंड यहाँ पे आपको इसको स्प्लिट करना है. देन अगेन यहाँ पे आने के बाद E एंड स्प्लिट, और फिर से यहाँ पे R, एंड यहाँ पे आपको इसको स्प्लिट कर देना. सो अभी आप देख सकते हो कि ये जो भी मैंने लिखा हुआ है वो भी टाइपराइटर इफेक्ट में अभी यहाँ पे हो जाएगा. ओके, राइट. सो ऐसे ही आपको 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 ये लिखना है. यहाँ पे हम साउंड भी डाल देते हैं, ऐड वीडियो ट्रैक करिए एक और, या फिर ऑडियो ट्रैक भी कर सकते हो. एंड ओपन फाइल, और यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगा. इसको यहाँ पे ऐसे रख देना है. ओके, एंड इसको यहाँ से कट भी कर देंगे. तो जहाँ तक आपका टेक्स्ट होगा वहाँ तक आपको ये साउंड रखना है, एंड बाद में आप उसको निकाल सकते हो. ऑलराइट, सो अभी आप देख सकते हो आपका इफेक्ट कैसा है. है ना सही. तो ये लगभग थोड़ा बहुत उसके जैसा लग रहा है, टाइपराइटर जैसा. तो ये एक ट्रिक है, वैसे और भी इसके वेज है, तो मैं आने वाले एपिसोड में मैं उसके बारे में बता दूंगा कि अदर वेज कौन से है जिससे कि वो और अच्छा लगे. ओके, सो ये था यार आज के एपिसोड में, होप आपको समझ में आएगा. तो जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था, थैंक यू फॉर आस्किंग, एंड सॉरी मैंने बहुत लेट इसका रिप्लाई किया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा. ओके देन, तो होप आपको ये समझ में आएगा, होप आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो. टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. बाय बाय.